हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। सर फाइनली जो है इंतजार अभी खत्म हुआ और सीयूटी पीजी की ऑफिशियल डेट्स जो है अनाउंसमेंट कर दिया है यूजीसी के चेयरमैन ने। उनकी ट्विटर अकाउंट पे आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। उनका कहना है कि 26 सितंबर को सीयूटी पीजी का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। हालांकि सीयूटी पीजी का रिजल्ट के रिगार्डिंग उसकी तरफ से फुल अपडेट आ चुकी है, लेकिन यहाँ पर भी स्टूडेंट की परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। आखिरकार क्वेश्चन ये आता है कि सीयूटी का रिजल्ट के बाद स्टूडेंट को क्या करना पड़ेगा। हालांकि हम अगर बात करें सीयूटी पीजी के रिजल्ट की, तो सीयूटी पीजी के बाद स्टूडेंट के पास ऑप्शन होते हैं टोटली 100 कॉलेजों के जो कि अवेलेबल है सीयूटी के अंदर, और 100 कॉलेजों के अंदर एटलीस्ट 250 कॉलेज और आ जाते हैं उन कॉलेजों के अंदर। अगर मैं बात करूं दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर काफी सारे कॉलेजेस आते हैं। हालांकि डीयू अपना अलग एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करा रहा है। सीयूटी पीजी की अगर अपन बात करें तो सीयूटी पीजी में बहुत सारे कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 100%+ कॉलेजेस आर अवेलेबल इन दैट जस्ट लाइक सीयूटी एग्जामिनेशन। अब भैया रिजल्ट तो आ गया हमारा, क्या करें, कैसे एडमिशन मिलेगा, और हमारा जो जितना स्कोर आ रहा है उस स्कोर के बेसिस पे कौन सी कॉलेज में मेरे को मिल जाएगा। क्या आपका भी एक क्वेश्चन है? घबराओ नहीं, बिल्कुल आपका पूरा सॉल्यूशन किया जाएगा गाइस, हम बैठे हैं ना, राइट। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ध्यान से सुनना, ठीक है। जो भी स्टूडेंट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं यूजी एग्जामिनेशन, ठीक है, जस्ट लाइक अंडर ग्रेजुएट, सो इफ यू वांट टू वर्क जस्ट लाइक फ्रीलांसिंग एंड इन द यूट्यूब एंड जस्ट लाइक कंटेंट राइटिंग, तो एक नीचे गूगल फॉर्म दे रहा हूँ, आप उसको फिल कर सकते हो, ठीक है। एंड जस्ट लाइक आप भी अच्छा खासा क्रिएट कर सकते हो अपना कंटेंट, या फिर अपना जस्ट लाइक अच्छा खासा नाम डेवलप कर सकते हो। अगर आपको कुछ आता भी नहीं है जस्ट लाइक, तो जस्ट हमारे पास वीडियो एडिटर, वी अफक्स एडिटर एंड मेनी मेनी एडिटर्स आर अवेलेबल, ठीक है। आई डोंट नो अबाउट दिस। ओके, सो आगे बढ़ते हैं यहाँ सीयूटी एडमिशन प्रोसेस। काफ़ी सारे बच्चों के मेरे पास क्वारी आ रही है कि भैया मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, मेरे जस्ट लाइक एमबीए के अंदर 2 डोमेन होते हैं 3 डोमेन होते हैं, मैंने इतने एग्जाम दिए हैं, मेरे को सीयू राजस्थान में चाहिए, सीयू पंजाब में चाहिए, सीयू हरियाणा में चाहिए, बीएचयू में चाहिए, राइट, तो क्या मेरे को एडमिशन मिल जाएगा, क्या करना पड़ेगा, कितने मार्क्स लाने होंगे, क्या सारा सीन है, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करें हम। काफ़ी सारे यार मेरे को बहुत ही ज़्यादा दुख है इस बात का कि सीयूटी पीजी एग्जामिनेशन के अंदर ओनली 40-55% अटेंडेंस रही है। हालांकि आपका जो कंपटीशन था, पहले एप्लीकेशन जो फॉर्म भरे गए थे वो फॉर्म थे 9 लाख के आसपास, लेकिन अभी जो है जो अपीयर बच्चे हुए एग्जामिनेशन के अंदर, जिन बच्चों का रिजल्ट आएगा डिक्लेयर होके, वो है ओनली फॉर 3 लाख कुछ बच्चे, ठीक है, 3 लाख के आसपास। हालांकि जो न्यूज़पेपर वगैरह में आप लोग देख रहे होंगे करंट डेटा अकॉर्डिंग टू टाइम्स ऑफ इंडिया एंड एजुकेशन टाइम्स वगैरह, तो 3,35,000 यानी कि 3,35,000 के आसपास स्टूडेंट्स आर अपीयर्ड इन द सीयूटी पीजी एग्जामिनेशन। इसका मेन सबसे बड़ा कंसर्न ये था कि जो स्टूडेंट को एग्जाम का स्टेट चेंज करने का ऑप्शन नहीं दिया एनटीए ने, और जैसे स्टूडेंट को एग्जाम स्टेट चेंज करने का ऑप्शन नहीं दिया, काफ़ी सारे बच्चे अदर स्टेट में थे, वो जस्ट हो नहीं सका। एंड दूसरा इश्यू ये था जस्ट लाइक लास्ट डेट एग्जाम सेंटर्स चेंज इंटीमिडेशन, उसके कारण भी स्टूडेंट को काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसके साथ यार आप अगर सीयूटी एडमिशन गाइडेंस चाहते हो, देन हमारा नीचे एक प्लान चल रहा है सीयूटी फोन सपोर्ट या फिर सीयूटी गाइडेंस प्लान, उसके अंदर भी आपको 3 प्लान देखने को मिल जाते हैं, तो आप उसके अंदर जो है इनरोल कर सकते हो। इसके साथ ही जो बच्चे हमारे लिए सेलेक्ट हो जाते हैं, जो पहले मैंने स्कीम बताई, उनके लिए सब पूरी काउंसलिंग फ्री है, ठीक है, तो जैसे आप वो भी ले सकते हो। उसके अंदर भी हमारे एक्सपर्ट गाइडेंस, जो भी एक्सपर्ट ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है कि आपके लिए कौन सा कॉलेज बेस्ट है, कौन सा कॉलेज आपको मिल जाएगा, किस रैंक तक आपको मिल जाएगा, या फिर आपको सीयूटी बाय कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या फिर आपको कोई बाहर कॉलेज देखना चाहिए, पूरी की पूरी अपडेट हम आपको देते हैं, तो आप जो है उसमें भी इनरोल कर सकते हो अगर आपका इंटरेस्ट हो तो। आगे बढ़ते हैं सीयूटी में क्या सारा सीन है। तो बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जिन्होंने जो है पीयूटी पीजी के बेसिस पे अपने पोर्टल सभी ओपन कर दिए हैं। ओके, ऑलमोस्ट एंटायर यूनिवर्सिटीज के वहाँ पे ऑप्शन आ चुका है, जैसे सीयूटी का रिजल्ट आता है पोर्टल उन सब का एक्टिव हो जाएगा। अब आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, जैसे सीयूटी पोर्टल ओपन होता है आपका एक तो करेक्शन विंडो ओपन किया जाएगा,
एंड जिन भी बच्चों ने यूनिवर्सिटियाँ ऐड नहीं की है वहाँ पे वो भी आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि जिन बच्चों ने अगर कम यूनिवर्सिटी ऐड की है तो आप जो है एक्स्ट्रा यूनिवर्सिटी भी ऐड कर सकते हो। अगर आपने कोई करेक्शन किया है, फॉर्म के अंदर कोई गलती है तो वो भी आप जो है चेंज कर सकते हो। हालांकि वहाँ पे मेल आईडी मोबाइल नंबर का चेंज करने का ऑप्शन नहीं दिया जाता आपको। नाम आपका फादर्स नेम मदर्स नेम DOB इनमें से आप सिर्फ एक चीज़ ही करेक्शन कर सकते हो। हालांकि आपको और जस्ट लाइक अपने डेटा में करेक्शन का ऑप्शन दिया जाएगा। साथ ही एक सबसे अच्छा ये ऑप्शन है कि आप अपनी यूनिवर्सिटियाँ ऐड कर सकते हो और भी ज़्यादा। फिर जो है आपको जो भी स्कोर कार्ड मिल जाता है यहाँ पे NTA का जो CUET वाली वेबसाइट है उसका काम खत्म हो जाता है। उसके बाद आपको जाना है इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी पे। फॉर एग्जांपल के लिए CU राजस्थान हो गया, इंटीग्रेटेड कोर्सेज काफ़ी सारे होते हैं वहाँ पे। CU पंजाब में ऑलमोस्ट PG के कोर्सेज ही है। CU हरियाणा हो गया, ठीक है, जस्ट लाइक CU गुजरात हो गया, CU उड़ीसा, CU तमिलनाडु काफ़ी अच्छे कोर्सेज करवाता है, CU साउथ बिहार हो गया, मैंने मेरे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आर अवेलेबल हैं, तो आप जो है उनमें इनरोल कर सकते हो। इसके साथ ही एक मेरा नया चैनल है पोस्ट ग्रेजुएशन के रिगार्डिंग, तो आप लोग जो है उसको जरूर से सब्सक्राइब कर सकते हो। इफ़ यू आर जस्ट लाइक कम्प्लीटेड BA डिग्री, वो पोस्ट ग्रेजुएशन वालों के लिए है, तो आप लोग जो है उसको जरूर सब्सक्राइब करें और जो मैंने फॉर्म दिया है उसको आप जरूर फिल कर सकते हो। एंड जस्ट लाइक चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और CUET एडमिशन गाइडेंस प्लान फुल चल रहा है, अभी फुल गाइडेंस अवेलेबल है, तो आप जो है तो उसके अंदर जो भी प्लान आपको अच्छा लगे आप ले सकते हैं फुल कंप्लीट एडमिशन जब तक आपकी क्लासें स्टार्ट नहीं हो जाती, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, खूब पढ़ते रहो, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर। और सबसे अच्छी अपडेट ये है कि आपके जो रिजल्ट है फाइनली 26 सितंबर को आ रहे हैं, ठीक है। थैंक यू।